Hello friends, welcome to Shiva Learning. For more updates, you can also log into our website www.shivalearning.in. So friends, इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ, और ये गुड न्यूज़ OBC के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और मध्य प्रदेश में जो हैं उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। तो चलिएगा, इसमें देरी ना करते हुए शुरू करता हूँ। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो वैसे मेरे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है, ये लेटेस्ट न्यूज़ आर्टिकल है, इसमें आप डेट देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल अप्रूव्स ऑर्डिनेंस टू इंक्रीज OBC रिजर्वेशन फ्रॉम 14% टू 27%। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि जो मध्य प्रदेश में OBC कोटा है वो 27% ना होकर 14% ही है, और बाकी सारे स्टेट्स में लगभग ये 27% है, क्योंकि जो 49.5% हमारा कोटा होता है उसमें 27% OBC के लिए, 15% SC के लिए और 7.5% ST के लिए रिजर्व रहता है। तो हर जगह ये ज़्यादातर 27% है, पर मध्य प्रदेश में ये अभी तक 14% ही था। तो गवर्नर ने, उनकी आनंदीबेन पटेल ने, अब इसको अप्रूव कर दिया है, जो कि अब 14% से 27% हो जाएगा। तो चलिए गाइस, एक बार मैं फिर भी आपको आर्टिकल पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है और ये कब हुआ है। डेज बिफोर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द अपकमिंग लोकसभा पोल्स अनाउंसमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल पास्ड गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस टू हाइक OBC कोटा फ्रॉम द करंट 14% टू 27%। और इसमें आगे लिखा हुआ है, भोपाल जो कमलनाथ की गवर्नमेंट है, कमलनाथ गवर्नमेंट्स ऑर्डिनेंस इंक्रीज द रिजर्वेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज एडमिशन फ्रॉम द करंट 14% टू 27%। CM कमलनाथ वाइल अनाउंसिंग द इंक्रीज ऑन मार्च 6 हैड ऑल्सो अनाउंस द अर्ली implementation of the 10% reservation in government jobs and college admission to the economically weaker section in the general category। और उन्होंने इसके साथ ही जो EWS कोटा अभी अभी जो आया है अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, वो भी जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और वो इस पर कोशिश कर रहे हैं कि वो भी अपने स्टेट में इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर दें। तो गाइस, ये थी आज की आपकी नीट न्यूज़, जिसमें आप जो मध्य प्रदेश के अगर स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो गाइस, ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।